अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं बी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर का ख्याल है कि मौजूदा कप्तान बाबर आजम की बजाय फास्ट बॉलर हसन अली कौमी टीम के कप्तान की हैसियत से बेहतर इंतखाब होते। पीटीवी स्पोर्ट्स पर गुफ्तगू करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के वनडे सीरीज हारने के बाद शुएब अख्तर ने कहा कि वो बाबर आजम पर कप्तानी का बोझ डालने की बजाय उन्हें अजीम बल्लेबाज बनाने पर ज़्यादा तवज्जो देते। उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम को सिर्फ बतौर बल्लेबाज खिलाता, अगर मुझे इस टीम से कप्तान मुंतखब करना होता तो वो हसन अली होता, क्योंकि इसमें एक आग और जहानत है, मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं बाबर को एक बेहतरीन बल्लेबाज बनाता और उन पर दबाव डालता कि वो एक ख़ास किस्म की इनिंग खेल सके, ताकि पूरी पाकिस्तानी टीम उनके इर्द गिर्द खेले। उन्होंने कहा कि मैं इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मुकाबला केन विलियमसन, विराट कोहली और बिन स्टोक्स की तरह करूँ, इन खिलाड़ियों से बेहतर बनने की तरगीब दूँ। मैं बाबर आजम को उस तरफ ले जाता, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास अभी एक इंतहाई अफसोसनाक मंजर है। पाकिस्तान सीरीज हार गया है और ये बहुत मायूस कुन है। शुक्र है कि इंग्लैंड के खिलाफ कोई टेस्ट मैच नहीं, वरना वो भी सिर्फ दो दिन के अंदर ही ख़त्म हो चुका होता। शुएब अख्तर ने जदीद दौर की क्रिकेट के बारे में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट का एक मुख्तलिफ ब्रांड खेल रहा है, जबकि पाकिस्तान 70 की दहाई में फंस गया है। हम ब्लैक एंड वाइट दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं और इसी दौरान देगर टीमें हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। याद रहे कि हफ्ता के रोज लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को 52 रन से शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में नाकाबले शिकस्त 0-2 की बर्तरी हासिल कर ली थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।